हाय, आई एम आकांक्षा अवस्थी और आप लोग देख रहे हैं भोजपुरी बातें। भोजपुरी बातें के दर्शकों के लिए मेरा ढेर सारा सा प्यार उनके लिए। क्लासिकल परफॉर्मेंस ही किया है मैंने और आइटम सॉन्ग से कुछ अलग है, हमेशा कुछ अलग कोशिश करती हूँ बट घूम फिर के उसमें आइटम ही आ जाती हूँ, तो आई होप कि ये ऑडियंस को पसंद आए। तो क्या कहना चाहेंगे, मतलब नारी प्रधान फिल्म है, रानी चटर्जी जी मुख्य किरदार में नजर आएंगे, कितना समय नारी प्रधान मेरा तो बेस्ट विशेस है रानी जी के लिए, इनफैक्ट जो भी फीमेल ओरिएंटेड फिल्म करते सभी के लिए। बट वही बोलना चाहूँगी कि मुझे फिल्म का स्टोरी और मुझे बाकी चीज़ों के बारे में कुछ आइडिया नहीं रहता बिकॉज मैं सिर्फ एक गाने के लिए आती हूँ। बट मुझे मेरा गाना बहुत अच्छा लगा क्योंकि क्लासिकल सॉन्ग है और मैं ट्रेन क्लासिकल डांसर हूँ, तो मुझे अच्छा लगा गाना करने के लिए। मैं आज़ादी तो हूँ इसलिए आइटम सॉन्ग कर पा रही हूँ, वरना आपको क्या लगता है किसी के फैमिली या किसी के पेरेंट्स अलाउ करते हैं किसी को आइटम सॉन्ग करने के लिए? हाँ, एजुकेशन मिल रहा है आजकल के लड़कियों को, आज़ादी है अपने हिसाब से जीने की, आज़ादी है कि शादी को ना बोलने की, आज़ादी है हर चीज़ को हाँ ना अपने हिसाब से डिसाइड करने के लिए, तो बहुत ज़रूरी है। अभी मैं 2 महीने से कोई काम नहीं कर रही हूँ, मेरा हेल्थ इशू था, मैं घर पर रेस्ट कर रही थी। आई होप कि इन फ्यूचर मैं कर पाऊँ या फिर शायद इंडस्ट्री छोड़ दूँ। एक्चुअली इंडस्ट्री ने मुझे छोड़ दिया, अब आइटम गर्ल की जरूरत नहीं है। आपने ही आंसर दे दिया, आपको आई थिंक सो सबको पता है कि आजकल आइटम सॉन्ग करके ऐसा कुछ रहा नहीं, सब हीरोइनें ही गाना कर रही हैं और मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही स्ट्रगल हो गया एज अ आइटम गर्ल से एक्टिंग करने में, तो आई थिंक क्विट करना ज़्यादा बेटर है। तो कहाँ जाना चाह रही हैं? डांसिंग के अलावा डांस ही रुचि है, मैं डांस टीचर बन सकती हूँ, इंस्ट्रक्टर थी पहले, खुद का क्लासेस था तो बच्चों को डांस सिखा सकती हूँ। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।